आपने ये देखा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत आज भी उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, आज भी कम है, हमसे बहुत ज़्यादा दूसरे प्रांतों में है, हमने इसको मिनिमाइज करके रखा हुआ है। और विशेष रूप से आप ये भी देखिए कि सेवा के काम कितने हो रहे हैं। आज की तारीख में आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपके जनपद में भी 33,77,000 लोगों के खाते में 1,000 रुपया भेजा गया इस कोरोना की महामारी, 5 बार उन लोगों को अनाज फ्री दिया गया, भारत सरकार के द्वारा 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूँ या चावल तथा 1 किलो चने की दाल ये दी जा रही है। नेता की नियत और मंशा भी देखी जानी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केवल एक ही इच्छा है, एक ही सपना है, एक ही संकल्प है कि हमारे देश के आम आदमी की हालात बदले, आम आदमी की स्थिति बदले और आत्मनिर्भर भारत बने। सर, ये हमारे नेता का सोच है और उसी दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोरोना के फैलाव को हमारी सरकार ने रोका है और जिस प्रकार से ये संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए आज हम विशेष रूप से इस कार्यक्रम में आए हैं, ये अभियान 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक चलेगा। हम सभी विभोग 12 विभागों का सहयोग चाहते हैं, एक जन जागरूकता अभियान चले रखो आइडिया और हर हालत में स्वच्छता को हम अपने जीवन का, अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं। अगर स्वच्छता को हम आत्मसात करेंगे, जल भराव नहीं होने देंगे तो न यहाँ AES होगा, न JEE होगा, ना जैपनीज इंसेफ्लाइटिस होगा, न चिकनगुनिया होगा, न डेंगू होगा, किसी प्रकार की मलेरिया नहीं। सर, बाबा रामदेव का आज एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ऐसा है, एक सवाल कोरोना को रोकने के लिए हमारी सरकार ने पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ प्रयास किया और उसी का ये परिणाम है कि आज 6,709 केसेस मात्र प्रदेश में एक्टिव हैं और 16,600 से ज्यादा केसेस रिकवर होकर अपने घर चले गए। सर, बाबा पूरी चिकित्सा स्वास्थ्य हो, चाहे चिकित्सा शिक्षा हो, सभी के क्षेत्र में हमने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत से, पूरी शक्ति के साथ काम किया है, उसी का ये परिणाम है कोरोना को रोक पाए और इसको भी, संचारी रोग को भी।